हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। हमारे पास थ्री स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। थर्ड आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। दीज आइडेंटिटीज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। आपको ये लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी। ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है। अप्लाइंग आइडेंटिटीज, अब हम इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे। वी शैल नाउ सी हाउ फार मैनी प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस एंड आल्सो ऑफ नंबर्स यूज़ ऑफ आइडेंटिटीज गिव ए सिंपल अल्टरनेटिव मेथड ऑफ सॉल्विंग दैम। हम जब बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हमें एक दूसरा मेथड मिल जाता है। वो बहुत ही सिंपल मेथड है, हम उनको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 लेंगे। यूजिंग द आइडेंटिटी फर्स्ट, अब हम देखेंगे इन आइडेंटिटीज़ को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी को अप्लाई करना है और यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के। फर्स्ट पार्ट करेंगे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी है। फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी। यहाँ पे ए क्या है, 2x है और बी क्या है, यहाँ पे 3y है। अब हम ए का स्केयर करेंगे, ए क्या है यहाँ पे 2x का स्केयर प्लस बी क्या है 3y है, 3y का स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी। टू ए क्या है यहाँ पे 2x और बी क्या है यहाँ पे 3y। यह आ जाएगा 2x का स्केयर, 2x इंटू 2x होता है, ये हो जाएगा 4x का स्केयर प्लस 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy प्लस 3y इंटू 3y 9y का स्केयर। वी मे वर्क आउट 2x प्लस 3y का स्केयर डायरेक्टली। अगर हम आइडेंटिटी ना लगाएं और इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे। पहले हम 2x को 2x प्लस 3y से करेंगे इस तरह से, प्लस उसके बाद हम 3y को 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट गेव अस अल्टरनेटिव मेथड ऑफ स्केयरिंग 2x प्लस 3y। ये जो हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं फर्स्ट, ये स्केयरिंग का एक दूसरा मेथड है। डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया कि जो हम जब हमने आइडेंटिटी लगाई तो हमारे कम स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और जब हमने आइडेंटिटी नहीं लगाई, जब हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो उसके अंदर हमारे कई सारे स्टेप्स थे। यहाँ पे हमारे जो एग्जांपल है ये हमारा लॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। यू विल रियलाइज द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस मेथड इवन मोर इफ़ यू ट्राई टू स्केयर मोर कॉम्प्लिकेटेड बाइनोमियल एक्सप्रेशंस देन 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y ये हमारा सिंपल एक्सप्रेशन है। जब हम किसी कॉम्प्लिकेटेड बाइनोमियल को स्केयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये आइडेंटिटी है ये हमारे क्वेश्चन को करने में कितना हेल्प करती है। जैसे सेकेंड है 103 का स्केयर, अगर हम 103 का स्केयर करेंगे तो हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं 103 है तो इसके हम 100 प्लस 3 दो पार्ट बना लेते हैं और आइडेंटिटी यूज़ करते हैं 100 का स्केयर ए है, यहाँ पे 100 ए है
और बी यहाँ पे 3 है, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 100 है, बी है 3 प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर किया 10,000 आ गया, 2 इंटू 100 इंटू 3 600 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इन सारों को हमने ऐड कर दिया, ये आ गया 10,609। अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं इसको निकालने के लिए तो ये हमारा बहुत ही लेंथी मेथड है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट। यू विल फाइंड इन दिस केस द मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी इज इवन मोर अट्रैक्टिव देन द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। इतना ही नहीं कि हमें लेंथी मेथड पड़ता है डायरेक्ट में, ऐसा भी नहीं है, इसमें जब हम क्वेश्चन निकालते हैं तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है, बहुत ही हमें अच्छा महसूस होता है। एग्जांपल नंबर 12, यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड। यहाँ पे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ की, अब हम करेंगे दूसरी आइडेंटिटी को यूज़। दूसरी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट में पुटअप करेंगे। ए यहाँ पे 4b है और बी यहाँ पे 3q है। ए का स्क्वायर 4b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए है 4b और बी है 3q प्लस बी का स्क्वायर 3q का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4b इंटू 4b 16b का स्क्वायर माइनस 2 × 8, 8 = 24, 24 pq प्लस 3q × 3q 9q का स्क्वायर। ठीक है, डू यू एग्री दैट फोर स्क्वायरिंग 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर द मेथड ऑफ आइडेंटिटीज इज क्विकर देन द डायरेक्ट मेथड। ये हमारा जो आइडेंटिटी यूज़ करने वाला मेथड है बहुत ही फास्ट है, बहुत ही हम जल्दी निकाल सकते हैं इससे हम अपना आंसर। सेकेंड पार्ट है 4.9 का होल स्केयर। 4.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 0.1 का होल स्केयर। अब हम इसके अंदर आइडेंटिटी रख देंगे, 5 का स्केयर माइनस 5 यहाँ पे ए है और 0.1 यहाँ पे बी है। 5.0 का स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए है 5 और बी है 0.1 प्लस बी का स्केयर 0.1 का स्केयर। 5 × 5 = 25 माइनस 2 × 5 1 आ जाएगा ये, प्लस 0.1 का स्केयर करेंगे ये आ जाएगा 0.01। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा ये 2 × 5 × 1/10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1, और 0.1 × 0.1 यह आ जाएगा 1/10 × 1/10, 1/100 इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, उसके बाद हम इनको एडअप कर देंगे, यह आ जाएगा 25 प्लस का है, माइनस का 1 है तो 24 और प्लस का है 0.01, 24.01। Is it not that scaring 4.9 using identity second is much less tedious than scaring it by direct multiplication? तो हमने जब identity second को use किया तो ये हमारा method बहुत ही time less लेता है, बहुत ही कम time लेता है, बहुत ही अच्छा method है, इसको करने में हमें बहुत ही मज़ा आता है इन कंपेरिजन टू डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हमारा बोरिंग मेथड हो जाता है, बहुत ही लंबा मेथड हो जाता है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 13, यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। अब हम आइडेंटिटी थर्ड को यूज़ करेंगे, इसके हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब हम एक एक करके करेंगे, 3/2m प्लस 2/3n, 3/2m माइनस 2/3n। तो यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है, हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए यहाँ पे 3/2m है और बी यहाँ पे 2/3n है। अब हम ए का स्क्वायर करेंगे, 3/2m का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2/3n,
टू बाई थ्री एन का स्क्वायर, थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू, टू कितना हो जाएगा नाइन बाई फोर एम का स्क्वायर, माइनस टू बाई थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ये फोर बाई नाइन आएगा, एन का करेंगे तो एन का स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो ये हमें डायरेक्ट ही दे रखा है। अब हमने इस आइडेंटिटी को अपोजिट करना है। यहाँ पे ये दो पार्ट दे रखे थे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए यहाँ पे 983 है और बी यहाँ पे 17 है, तो 983 प्लस कर देंगे 17 और 983 माइनस 17 जब प्लस करेंगे तो 1000 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 983 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 में से 7 जाएगा, नौ सौ छियासठ, ठीक है, तो 966 गुना में 1000 ये हमारा आंसर आ जाएगा, 966000। अब है हमारा थर्ड पार्ट 194 इंटू 206, 194 गुना 206। एक सौ चौरानवे को हम क्या लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, 200 माइनस 6 लिख सकते हैं, और एक 206 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 जमा 6 लिख सकते हैं। अब ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी थर्ड वाली, एक माइनस का एक प्लस का है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 200 है और बी क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है, ए स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करेंगे 40000 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36000 और आंसर आ जाएगा हमारा 39964। अब हम करेंगे लास्ट एग्जांपल नंबर 14, यूज़ द आइडेंटिटी, यहाँ पे हमने फोर्थ आइडेंटिटी यूज़ करनी है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे दो पार्ट हैं, 501 गुना 502 95 गुना 103, 501 गुना 502, 501 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 जमा 1 और 502 को 500 जमा 2, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x हो जाएगा यहाँ पे 500 और a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा यहाँ पे 2। अब हम इन वैल्यूज़ को इस आइडेंटिटी में रखेंगे, 500 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a क्या है 1 और b है 2, 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स 500 प्लस ए इंटू बी 1 इंटू 2, 500 का स्क्वायर किया ये आ गया हमारा 250000, 1 प्लस 2 3 आ गया, 3 इंटू 500 1500 प्लस 2, अब हम इनको प्लस कर देंगे ये आ जाएगा 251502। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट 95 गुना 103, 95 को हम क्या लिखें, 100 माइनस 5 और 103 को क्या लिखें, 100 जमा 3, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू सेम लेनी है, 100 होनी चाहिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है, और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस 5 और b की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3, तो यहाँ पे आपको ध्यान से करना है क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है। अब हम करेंगे एक्स का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है माइनस 5 प्लस बी क्या है प्लस 3 इंटू 100 प्लस, अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है ए और बी को,
माइनस फाइव इंटू थ्री। जब 100 का स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस, बाहर प्लस का है अंदर माइनस का है, तो माइनस का ही साइन आएगा, 5 और प्लस 3 8 हो जाएगा। माइनस 5 प्लस 3, माइनस के 5 हैं प्लस के 3 हैं, तो माइनस का 2 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस के 2 इंटू 100 माइनस 200, यहाँ पे बाहर प्लस का अंदर माइनस का है तो माइनस का आएगा माइनस 15। अब हम 10,000 में से 215 घटा देंगे, ये आ जाएगा 9,785। तो अब हमें इन आइडेंटिटीज़ को लगा के हम क्वेश्चंस को इजीली निकाल सकते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 9.5 है वो इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे बेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक्सरसाइज 9.5 के साथ। थैंक यू बच्चों।